सॉरी नायरा, मुझे पता था तुम वेट कर रही होगी पर नहीं आ पाया। एक्चुअली नेक्स्ट मीटिंग की तैयारी कर रहा था। एंड यू आर राइट, उनका एक्सपीरियंस और मेरा जोश मिलकर हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू मुझे ये बात समझाने के लिए। फोन साइलेंट पे कर देता तुम बेब्स। ये मैसेजेस इसे समझ में नहीं आता, कोई इंसान एक बार रिप्लाई ना करे तो उसे डिस्टर्ब ना करो, और ये कोई टाइम है किसी को मैसेज करने का? और कोई तरीका होता है कि नहीं बात करने का किसी से? बेब्स बेबी वो टॉक्स लगता है, साइलेंट पे कर दिया। आज ही का दिन हमारा इंपॉर्टेंट है और तुम इतना लेट आई हो। कब रिहर्सल्स करेंगे, कब बॉडी में जाएंगे और कब बाकी सारा काम करेंगे? हाँ सॉरी, वो घर पे कुछ लोग आ गए थे इसलिए लेट हो गया। और तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही? मैंने देखे नहीं थे, और अगर देखे भी होते ना तो भी रिप्लाई नहीं करती। रात के 3 बजे कौन किसी को मैसेज करता है? हाँ ये बात भी सही है। एक्चुअली मैं बहुत ही एक्साइटेड था, बट आई एम सॉरी। शुरू करें? का मैसेज नहीं आया अभी तक, पता नहीं क्या हुआ मीटिंग का। आपका क्या कहना है मिस्टर बंसल? वी हैव वेरीफाइड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स बट दे डोंट स्पीक गुड अबाउट यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सभी को लगता है कि मनीष गोयनका और उनकी कंपनी की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर आदित्य बंसल का है, और इसलिए इन्हें अब इस प्रोजेक्ट से विथड्रॉ करना पड़ेगा, और वो भी गोयनका के टर्म्स एंड कंडीशंस पर। आदित्य, डिवोर्स के पेपर्स तुरंत साइन करके भिजवा देना, वरना वहां इससे बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। आई कैन जस्ट इमेजिन नायरा, ये न्यूज सुनकर तुम्हारे फेस पे कितनी प्यारी स्माइल आएगी, और ये सब भी तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना तो हम। कुछ नहीं, वो बस मिठाई देने आया था। ये नायरा, ऑसम बेब्स। ये किरण बहुत कूल है ना बीएफएफ? अरे क्या था, कूल है वो, जब देखो खुद की तारीफ ही करते रहते हैं बस। हाँ वो तो है, आखिर वो है ही इतने बेस्ट।
आपने देखा, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी और नायरा दी की पिक्चर्स डाली है, कितने सारे लोगों ने लाइक किया है। अच्छा दिखाओ मुझे। ये देखो, ये वाली मेरी फेवरेट है, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। ये क्या अच्छी, ये अच्छी पिक्चर्स है, इससे अच्छे तो मेरे और नायरा के पिक्चर्स आते हैं हमेशा। ये लो अपना फोन। जरूरत क्या थी ये पिक्चर्स पोस्ट करने की, आया बड़ा शो ऑफ कहीं का। क्या हुआ बीएफएफ, कहाँ खोए हुए हो? नहीं नहीं मिस्टी, एक काम करोगी मेरा प्लीज? हाँ बोलो। हाँ तो मेरे अकाउंट डिटेल्स ले लो, और मेरे और नायरा के जितने भी पिक्चर्स तुम्हारे फोन में, नक्श भाई के फोन में, जिसके भी फोन में जितने भी पिक्चर्स है वो सब अपलोड कर दो, ओके? और हाँ, नायरा को टैग भी कर देना। Okay. You rock, baby. नायरा, छोड़ो। नायरा के अपने हैं, उसे संभालने के लिए। डॉक्टर अंकल को फोन करूं बीएसएस? भाई और गायो जी भी नहीं है यहाँ, उनको भी बुला लूं? नहीं मिस्टी, मैं ठीक हूँ, किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, सब परेशान हो जाएंगे। मिस्टी आप जाकर ग्लूकोज ले आओगे प्लीज? ओके। कार्तिक, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही, क्या डिसाइड हुआ? तुम्हें मीटिंग की चिंता हो रही है, मुझे तुम्हारी। बोलो ना। एग्जिट कर रही थी आपको? कुछ हो जाता तो? नहीं होता। तुम हो ना? पागल हो तुम, अपना ख्याल नहीं रख सकती, सब कुछ करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि उससे मुझे खुशी मिलती है। अच्छा, और तुम्हें कब से खुद की खुशियों की परवाह होने लग गई? जब से मेरी खुशियाँ तुम्हारी खुशियों से जुड़ी। ज्यादा डायलॉग मारने की कोशिश मत करो, पटने नहीं वाला हूँ मैं ऐसे। कुछ नहीं सुनने वाला हूँ मैं, ना तुम्हारी ना तुम्हारे उस पार्टनर की, डांस पार्टनर किरण की। ज्यादा किरने ना फैलाए वो, सनसेट कर दूंगा उसको। क्या? कुछ नहीं। हाय गाइस, मैं कमिंग। आ जाओ आ जाओ। तुम्हारी तबीयत कैसी है नायरा? लिसन पार्टनर, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो कपल्स कोई भी हो पर मैच होने चाहिए, लुक्स वाइज, फीलिंग वाइज, यहाँ तक कि एनर्जी वाइज, वरना कपल्स किस बात के, है ना? मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा अपने आप पे वर्क करो और मुझसे मैच करने की कोशिश करो, ताकि लोगों को हमारी केमिस्ट्री दिखे, राइट कार्तिक? कूल, सो हम रिहर्सल्स के लिए कब जा सकते हैं ऑडियो में? थोड़ी देर में जल्दी। ओके, दैट्स नाइस। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक योगा पोज देता हूँ जिससे तुम्हारी एनर्जी एनर्जी से ज्यादा उसे इस वक्त आराम करने की जरूरत है, तो तुम प्लीज उसे रेस्ट करने दोगे? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।